नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की भी सक्सेस स्टोरी है, शेंगेन का स्टूडेंट वीज़ा बच्चे का आया है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग केस, हमारे लिए चैलेंजिंग केस था क्योंकि बच्चा पेरेंट्स के बगैर रह रहा है लंबे समय से अपनी दादी के पास। तो हमें सिलेक्शन ऑफ कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे केसेस में, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम कैसे दिखानी है, बच्चे की फंड्स हैं नहीं उसके पास, तो बच्चा कह रहा ना मैं रिटर्न नहीं भरता हूँ, ना मेरे पेरेंट्स हैं, मैं दादी के ऊपर फुली डिपेंड हूँ। तो ऐसे केसेस लेने से पहले हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, और इसकी रिकमेंडेशन हमें फॉरेन कंट्री से आई थी। फॉरेन में इनके कोई रिलेटिव हैं, वही इसको पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे बहुत सारी डिस्कशन की, और डिस्कशन करने के बाद उनको मैंने फैक्ट बताया कि ऐसे है कि कुछ कंट्रीज़ हैं यहाँ पर हमारे पास जहाँ पर आपको सोर्स ऑफ इनकम दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पर आपको पैसे ब्लॉक करने पड़ेंगे अपार्ट फ्रॉम ट्यूशन फीस। ऐसी कंट्री में क्या है कि आपको 9000 से 10000 यूरो वहाँ की रिस्पेक्टिव कंट्री के अंदर दिखाने पड़ते हैं एज ए अपने लिविंग एक्सपेंसेस, और इतनी ही फीस है। तो ये लेकर 18000 यूरो लगने थे अगर मैं उन कंट्रीज़ में डालता, ऐसी मेरे पास दो तीन कंट्रीज़ थी। 18000 यूरो मीन्स आप ले ये लेकर चलिए कि 16 लाख रुपया, 16 लाख रुपये में इसने पहुँचना था शेंगेन में एज ए स्टूडेंट। तो वैसे इकोनॉमिकली बेचारे वीकर हैं, बाहर वाले सपोर्ट कर रहे थे, कहते कि हमने ही सारा कुछ लगाना है, तो इकोनॉमिकल से इकोनॉमिकल हो पाए। तो हमारे पास आया, केस का रिव्यू किया बच्चे ने, इसने भी 12th की हुई है, 79% है, ह्यूमैनिटी का स्टूडेंट है, आर्ट्स का स्टूडेंट है, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से की हुई है। बट इसके पास प्लस पॉइंट ये था कि इसके पास 6 बैंड भी थे आयल्स के, ओवरऑल 6 थे। तो हमारे पास आया, केस देखा, देखने के बाद इट इज़ वेरी गुड केस, हर एक कंट्री में डल सकता है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम फंड्स नहीं है। तो फंड्स मैनेजमेंट में क्राउन इमिग्रेशन इज़ वेरी टेक्निकल, हमें मालूम था कि अभी फंड्स नहीं है, तो इसको फंड्स किस वे से दिखाने पड़ेंगे, आइदर इसके दादी के अकाउंट में दिखाएं, या इसके पर्सनल अकाउंट में दिखाएं, या इनके जो रियल अंकल हैं उसके अकाउंट में दिखाएं। तो अंकल जो हैं तो उनके कौन से प्रूफ ऐसे लगाए जाएं एम्बेसीज में जब इसका वीज़ा डालना है, उससे रिलेशन एस्टैब्लिश हो कि इनके दादाजी का नाम भी यही है अंकल के डॉक्यूमेंटों में और इसके डॉक्यूमेंटों के अंदर भी। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी टेक्निकल हमें देखनी पड़ती है जब हम किसी भी बच्चे का केस लेते हैं। अगर फंड्स नहीं हैं, इनको इकोनॉमिकल फंड्स कहाँ से अरेंज हो सकते हैं उसमें भी हम बता सकते हैं, और हमें किसी भी कंट्री में वीज़ा डालने से पहले ओरिजिनल फंड्स हम खुद चेक करते हैं। जब तक हम खुद सेटिस्फाई नहीं होते तब तक हम किसी भी बच्चे का एम्बेसी में फाइल नहीं भेजते, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ बच्चों की कंप्लेंट्स आती हैं, सर मैंने अपने फंड्स उस एजेंट से दिखवाए थे, उसने फंड्स तो क्या दिखाने थे, उसने हमें फेक बैंक की स्टेटमेंट ही दे दी, उससे वीज़ा हमने एम्बेसी में डाला, वीज़ा तो हुआ नहीं, साथ में बैन भी लगा, और इवन हमारे अगेंस्ट भी क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड किया है एम्बेसी ने। ऐसी ऐसी कंप्लेंट्स भी मेरे पास आई हैं, जहाँ क्या कंप्लेंट्स आती हैं, सर उस एजेंट्स ने हमारा बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाया, खुलवाने के बाद फंड्स भी दिखाए, दिखाने के बाद एक दूसरे दिन फंड सारे निकाल लिए, बैंक के अंदर फंड नहीं थे, उस कारण भी नंबर ऑफ बच्चों के वीज़ाज रिफ्यूज्ड हुए हैं। तो अगर फंड मैनेजमेंट की असिस्टेंट क्राउन इमिग्रेशन के से थ्रू लेते हैं तो आपको ऐसी डिफ़िकल्टीज़ कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी, और हमारे पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं साथ में, वी आर नॉट डिपेंड ऑन ए सिंगल कंट्री। या लाटविया में भी केस डालेंगे तो लाटविया में इसका केस हम अनदर कंट्रीज़ में भी डाल सकते थे, और लास्टली पे बच्चे का सक्सेसफुली वीज़ा आया है। तो लाटविया में या शेंगेन की किसी भी कंट्री में आपने हायर स्टडीज़ के लिए जाना है विद स्पाउस डिपेंडेंट बच्चों के साथ, ऑलरेडी रिफ्यूज्ड हैं किसी भी कंट्री से, फिर भी शेंगेन में एज ए स्टूडेंट जाना चाहते हो, तो क्राउन इमिग्रेशन आपका मोस्ट वेलकम करती है। तो बच्चे से अभी डिस्कस करेंगे, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ अपनी इस मीटिंग, अपनी इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले ये बताइए कि आपको क्राउन इमिग्रेशन के बारे में कहाँ से पता चला? एक्चुअली जो मेरे रिलेटिव हैं जहाँ पे रहते हैं बाहर, उन्होंने आपकी वीडियोस देखी थी और उन्होंने बहुत अच्छा लगा, उनको आपका जेन्युइन लगा, बहुत ऑथेंटिसिटी लगी आपके वर्क में, तो उन्होंने आपसे कॉन्टेक्ट किया, मुझे बोला मैं अमृतसर से आया हूँ, तो अमृतसर से मैं जलंधर यहाँ पे आपके मैंने केस रजिस्टर करवाया था। तो आपने उनके कहने के ऊपर आपने अपने लेवल पर भी कोई इन्वेस्टिगेशन की, हमारी वीडियोस वॉच की, ऐसा कुछ? हाँ जी, मैंने आपकी वीडियो सारी वॉच की हैं, अदर कंट्रीज़ की भी आपने। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है उन वीडियोस से, क्या हम वीडियोस अलग बनाते हैं, सर्विस अलग देते हैं, ऐसा तो नहीं कुछ डिफरेंस? नहीं नहीं, आपका काम सर बहुत ऑथेंटिक है, मुझे बहुत लगा। कोई ऐसा महसूस हुआ हो एंटायर प्रोसेस ड्यूरिंग जब हमारा ये प्रोसेस था कि हम आपसे कोऑपरेट ना कर रहे हों, या हम आपकी कोई रिप्लाई ना कर रहे हो जब से आप हमसे रजिस्टर्ड हुए हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जब भी कॉल किया मेरे को रिवर्ट आया है,
आपकी तरफ से, आपकी टीम की तरफ से उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, हर एक चीज़ मुझे डिटेल में समझाई है और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ। तो आपका या लाटविया से कौन सी यूनिवर्सिटी से एडमिशन आया था? मेरा तोरीबा यूनिवर्सिटी से एडमिशन आया, तो कौन से प्रोग्राम में? मेरा बैचलर्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। तो आपका वीज़ा कितने टाइम के अंदर प्रोसेस होकर आपके हाथ में आ गया? सर लकीली मेरा वीज़ा तो 8-9 दिन में आया है। मतलब आफ्टर सबमिशन एग्जाम वैसे। हाँ यस। तो आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा लगा क्राउन इमिग्रेशन की टीम के साथ या हमारे साथ? बहुत अच्छा लगा, बहुत पेशेंस के साथ आपका ऐसा काम तो है। नहीं वीज़ा आ गया तभी अच्छा लगा, अगर वीज़ा ना आता तब हमें नहीं कहते नहीं चोर हैं या फलाना, ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा है? कुछ नहीं है। आप जैसे कि आपने बताया था, अगर कुछ भी नेगेटिव होता है तो हम हमारे पास अदर ऑप्शंस भी हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। ये देखिए अभी वीज़ा आ गया बड़े खुश हैं या फलाना है, मैंने इस बच्चे को फिर भी बताया कि वी आर स्टिल सीटिंग, आपकी कोई ऐसी है कि कोई ये वीक प्रोफाइल नहीं है, इट इज़ वेरी गुड प्रोफाइल, वी विल डू अवर बेस्ट। मुझे मालूम है कि कहाँ पर हो सकता है, आपको नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, पेशेंस चाहिए। तो आपने जो इंटायर जर्नी में आपको क्या लगा कि इसमें सारा काम एजेंट्स का ही होता है, एजेंट को पैसे दे दिए काम खत्म है? नहीं सर, ये हाँ 50-50 एफर्ट्स होते हैं दोनों ठीक, दोनों दोनों की तरफ से। अगर बच्चा एफर्ट ना करे तो क्या हैपनिंग हो सकती नहीं है? सर, फिर बहुत कम चांसेस होते हैं तो कि उसमें नुकसान किसको होगा? नुकसान तो सर स्टूडेंट का ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो आप जब मेरे पास आए थे मैंने आपको कोई, आपकी प्रोफाइल इतनी बढ़िया है, 80% नंबर है, 79% 6 बैंड है, मैंने आपको आते ही ये कहा हो गारंटी से आपका काम करवा के देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ये करके देंगे, ऐसा कुछ लगा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं क्या था। बताया था हमने फीडबैक आपने बताया था, हम पूरी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, जो भी प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो पेशेंट आपको से। लगता है कि सारा कुछ एजेंट्स के हाथ में होता है? नहीं सर, ऐसा आपको कुछ ऐसा नहीं। लगा हो ड्यूरिंग अंटायर जर्नी कि हाँ जी। एजेंट्स की सेटिंग्स होती हैं बेसिस में? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जब हमसे केस प्रोसेस करवाया था यस हमने आपके कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिए हों, जहां आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट या पासपोर्ट कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लिया हो? नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। हमने जो भी आपका काम प्रोसेस करवाया है क्या उसमें ट्रांसपेरेंसी थी, ओपनली था, या हम आपसे कोई चीज हाइड करते थे? नहीं सर, कुछ नहीं हाइड किया, आपके काम बहुत ट्रांसपेरेंसी से ही, आपने बहुत काम अच्छा किया है। तो ओवरऑल क्राउन इमिग्रेशन को कितने नंबर देना चाहेंगे? कितने? दस में दस में से से 10 में से 9 नंबर। एक नंबर कहाँ से काटा जी बताइए। नहीं, थैंक यू। चलो कुछ 10 में से 10। देखो ना ना ना, मैं खुश हूँ, 10 में से 9-8 यही देने चाहिए। हाँ अगर मेरा ग्राफ अप रहेगा ना हाँ तो जी, ऐसे चलना चाहिए ग्राफ ऑलवेज, ठीक है बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया आपने फीडबैक दिया है, तो थोड़ा सा दर्शकों को हम वीजा भी दिखा दीजिए। चलो थैंक यू जी, थैंक यू। तो अभी बच्चे का वीज़ा आ चुका है सक्सेसफुली, अभी अपना लाटविया अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचेगा। अगर आपने भी लाटविया में सितंबर इंटेक में जाना है तो आप क्राउन इमिग्रेशन से इमीडिएटली संपर्क कर सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर नंबर ऑफ लाटविया से रिलेटेड वीडियो है, तो हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। लास्ट यही रिक्वेस्ट, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।